सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एएलसी गेमिंग। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फ्री फायर ईस्पोर्ट कम्युनिटी के बेस्ट आईजीएल और फिर इनको बोल सकते हैं एमएस धोनी ऑफ फ्री फायर ईस्पोर्ट्स, द वन एंड ओनली फौजियाजय। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फौजियाजय की सक्सेस स्टोरी, कि वो ईस्पोर्ट्स में कैसे आए, उनने टीम कैसे फॉर्म की और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो फौजियाजय का फुल नेम है अजय शर्मा, इनका इन गेम नेम फौजियाजय है इसलिए हम इन्हें फौजियाजय बोलते हैं, और ये दिल्ली में रहते हैं बट इनका होम टाउन है राजस्थान में। तो अभी हम लोग फौजियाजय की सक्सेस स्टोरी देखते हैं कि वो स्पोर्ट्स में कैसे आए। तो फौजिया जब गेम स्टार्ट किए थे तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे प्लेयर्स के जैसे, लॉग इन किया, गेम इवेंट्स देखे, खेले और फिर रख दिया। फिर एक बार फौजियाजय के दोस्तों ने बताया कि भाई आप कोई भी गेम खेल सकते हो और उनसे पैसे कमा सकते हो टूर्नामेंट्स खेल के। ये बात फौजियाजय को पता नहीं थी। फिर उनके दोस्तों ने बताया कि ई स्पोर्ट्स जो होता है यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। तो फौजियाजय ने उस समय उन्होंने एक नई टीम क्रिएट की जिसमें उनके सिर्फ फ्रेंड्स थे, कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं था। किसी को भी नहीं पता था कि इसमें मतलब रोल भी होते हैं, सपोर्टर, रशर, असॉल्टर, किसी को नहीं पता था उस समय, क्योंकि उस समय जो गरीना था ज़्यादा टूर्नामेंट्स लाता भी नहीं था। बिकॉज उस समय जो बंदे थे उस समय देखना नहीं पसंद करते थे टूर्नामेंट्स। उस समय फौजियाजय को सिर्फ एक चांस चाहिए था खुद को प्रूव करने के लिए, लेकिन उनके पास टीम नहीं थी। उनको बाद में पता चला कि टीम में रोल भी होते हैं, फिर वो टीम के तलाश में निकल गए। ठीक है, उस समय गरीना ने एक न्यू टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था ब्लावर बैश करके। तो उसी टाइम पे वासियो एशिया इन्विटेशन खेल के आए थे, वहाँ पे उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। तो यहाँ के लोग, जो इंडिया के लोग थे, वहाँ पे मतलब बहुत हेट दे रहे थे वासियों को। तो वासियों को एक न्यू टीम चाहिए थी, फौजियाजय भी न्यू टीम ढूंढ रहे थे। तो फौजियाजय के पास तो एक बंदा था माफिया वाला, और जो वासियों थे उनके पास भी गोल्डन था। तो ये दोनों ने मिलके चारों ने मिलके एक न्यू टीम फॉर्म की जिसका नाम था द माफियाज। फिर इनकी टीम ने ब्लावर बैश में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे लोग फर्स्ट आए, और तब से फौजियाजय को लोग जानने लगे, क्योंकि उस समय उस टीम के आईजीएल थे। और फौजियाजय को तब लोग जानने लगे जब वो एशिया ऑल स्टार्स में इंडिया को थर्ड नंबर पे रिप्रेजेंट किए थे, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया था। मतलब इंडिया 9वें 10वें या फिर बहुत लो रैंक पे ही रहती थी, लेकिन माफियाज ने वो करके दिखाया था कि उनने थर्ड पोजीशन पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तब से फौजियाजय की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी इस समय। फिर फौजियाजय अपने टीम का नाम चेंज कर लिया द माफिया से टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट्स, और उन्होंने FFIC में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे भी अपना जलवा दिखा दिया और फर्स्ट आए थे। तब से उनकी पूरी टीम का मतलब पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया था और धीरे धीरे ईस्पोर्ट्स का काफ़ी ग्रोथ हो गया था इंडिया में। और इसी को देखते हुए गरीना ने न्यू टूर्नामेंट्स लाना स्टार्ट कर दिया था। तो गरीना ने एक और न्यू टूर्नामेंट लाया था FFIC स्प्रिंग। तो फौजियाजय इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ले सके उससे पहले ही वासियो और गोल्डन ने टीम छोड़ दिया था और गैलेक्सी रेसर्स में ज्वाइन होकर लिया था। लेकिन माफिया बाला अभी भी टीम में थे, तो फौजियाजय को दो प्लेयर्स चाहिए थे अपनी टीम को कंप्लीट करने के लिए। तो उन्हें दो प्लेयर मिले, तो पहले प्लेयर थे प्रिंस और दूसरे थे जवाब बॉय। फिर टोटल गेमिंग स्पोर्ट फिर से बन चुकी थी, तो ये लोग ने FFIC स्प्रिंग में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे फौजियाजय ने टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को 12 पोजीशन बुलाया। इसके बाद टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा कि भाई कैसे खेल रहे हो, कुछ नहीं आता इन्हें, ऐसा वैसा। फिर पता चला कि फौजियाजय ने उस टूर्नामेंट में बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि जिस दिन मैच था उस दिन उनके पापा को हार्ट अटैक आ गया था। और इसके बाद भी उन्हें मैचेस खिलाए, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इस सिचुएशन में कोई कैसे कॉन्सेंट्रेशन दे सकता है अपनी टीम को, इसलिए फौजियाजय मतलब अच्छे से नहीं खेल पाए थे, इसलिए टोटल गेमिंग ईस्पोर्ट 12th पोजीशन पे फिनिश किया था। और उसके बाद फिर प्रिंस और जवाब बॉय ने भी टीम लेफ्ट कर दिया था और FFIC स्प्रिंग जीती थी गैलेक्सी रेसर्स ने, जो कि फासी और गोल्डन की थी। तो फौजियाजय को टीम कंप्लीट करने के लिए दो प्लेयर और चाहिए थे जो उन्हें उनके गिल्ड से ही मिल गए थे, एक थे डिलीट और दूसरे थे माफिया। तो फिर फ्री फायर ने एक न्यू टूर्नामेंट लाया था जिसका नाम था फ्री फायर प्रो लीग। तो उसमें फौजियाजय ने सोचा था मुझे कैसे भी फर्स्ट आना ही आना है, लेकिन जो उनके हेटर्स थे वो सब बोलने, या फिर फैंस भी मतलब काफ़ी उदास हो गए थे जब उन्होंने 12th पोजीशन पर फिनिश किया था। फिर टोटल गेमिंग स्पोर्ट फ्री फायर प्रो लीग के लिए क्वालिफाई हो गई थी, फाइनल्स में आ गई थी। तो जब कास्टर प्रिडिक्शन थे तो उस समय सब कास्टर्स बोल रहे थे भाई टोटल गेमिंग नहीं जीत सकती ये टूर्नामेंट, सब के सब दूसरे टीम को किया था, लेकिन फिर भी टोटल गेमिंग फर्स्ट आई, सबको गलत साबित किया और फर्स्ट आई। फौजियाजय ने अपने हेटर्स को एक अच्छा जवाब दिया FFPL जीत के, और दिखा दिया कि टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट टीम है। और आज भी टोटल गेमिंग का लाइनअप वही है, फौजियाजय, माफिया,
माफिया बाला और डिलीट। तो ये थी सक्सेस स्टोरी ऑफ फौजियाजय। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फौजियाजय को बेस्ट आईजीएल बोला जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फ्री फायर ऑफिशियल ने खुद उनको अवार्ड दिया है बेस्ट आईजीएल का। तो अगर सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी फौजियाजय की तो लाइक ज़रूर से करना और शेयर भी कर देना, और कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी किसकी चाहिए। तब तक बाय बाय।